कि गुरुग्राम में सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य जांच के लिए आने वाले आमजन से भीड़ व लंबी लाइनों से बचने के लिए स्वास्थ्य हरियाणा ऐप को शुरू कर दिया गया है। इस ऐप के माध्यम से मरीज प्रदेश के किसी भी नागरिक अस्पताल में इलाज करवाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन आसानी से करवा सकते हैं। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। इस ऐप के माध्यम से अस्पताल में जाने से पहले मरीज घर बैठे अपना एडवांस रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिससे अस्पतालों में लोगों की भीड़ को सुव्यवस्थित तरीके से प्रबंध किया जा सकेगा। मरीजों को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, वो सीधा जाकर अपने डॉक्टर के पास इलाज करवा सकते हैं। डॉक्टर द्वारा लिखे टेस्ट और जो भी रिपोर्ट होंगी, मरीज उसे इस ऐप के माध्यम से घर बैठे अपने मोबाइल पर देख सकेंगे। इस ऐप में मरीज की सारी हिस्ट्री स्टोर होगी। इस मोबाइल ऐप में और भी कई सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनमें ब्लड बैंक की जानकारी, जच्चा बच्चा देखभाल और टीकाकरण संबंधी जानकारी भी उपलब्ध रहेगी। हाँ बिल्कुल, स्वास्थ्य ऐप जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल है। HMIS से जो हमारे सिविल हॉस्पिटल्स हैं उनको हमने जोड़ रखा है। पर्टिकुलरली HMIS में गुरुग्राम में 3 संस्थाएं हैं, जिसमें सोहना, पटौदी और मेन जो है वो सिविल हॉस्पिटल है। ऐसे कुल मिला के हरियाणा में सभी सिविल हॉस्पिटल्स में ये ऐप की सुविधा उपलब्ध है, जहाँ पर आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। क्योंकि अभी बहुत कम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, यदि आने वाले टाइम में लोगों की इस्तेमाल करने की, ऑनलाइन बुकिंग करने की या पर्टिकुलर डॉक्टर या कंसल्टेंट करने की अगर सुविधा बढ़ जाती है, तो उतनी ही फिर हम एक इसके लिए अलग से काउंटर वहां पर कर सकते हैं, ताकि आने वाले मरीज जो ऑनलाइन करके आएगा उसको ज़्यादा देर तक वेट या ना करना पड़े या जंग आम लाइन में ना खड़ा होना पड़े। उसके लिए सेपरेट लाइन रहेगी, तो सीधा उसको सिर्फ अपना UDID जिसको कहते हैं, यूनिक ID जो है वो जनरेट हो जाएगी। अवेयरनेस के लिए देखिए, अगर आपको मालूम हो तो बार बार जिला उपायुक्त ने और हमने भी विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से स्टेटमेंट भी दिए, इवन हमने ट्वीट भी किया। आज आपके चैनल के माध्यम से भी मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि जल्दी हम एक दोबारा ट्वीट करते हैं, ताकि उसमें हम सारा लिंक और वो सब सुविधा हम लोगों को उपलब्ध करा सके और कैसे वहां पर जाकर आप इस फैसिलिटी का फायदा उठा सकते। इस ऐप की प्रमुख विशेषताओं की जानकारी देते हुए CMO वीरेंद्र यादव ने बताया कि ऐप के माध्यम से मरीज अपना एडवांस रजिस्ट्रेशन करवाने के साथ ही अपना भूतपूर्व रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड भी देख पाएंगे। मरीज अपनी इच्छा से किसी भी स्वास्थ्य संस्थान और OPD का चयन कर सकते हैं। साथ ही ऐप पर सभी प्रकार की जांच रिपोर्ट का रिकॉर्ड तिथि अनुसार उपलब्ध होगा और मरीजों को इस ऐप द्वारा निकटतम ब्लड बैंक की भी जानकारी उपलब्ध होगी। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए द ग्राउंड न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, द ग्राउंड न्यूज।